मेरे चैनल लॉजिक टच पर आपका स्वागत है। मैं हूं चित्रा दत्त। आज हम चर्चा करेंगे रे यानी ऋषि वाले रे और रे में क्या अंतर है, जानेंगे कि इनमें हम कैसे फर्क करें, कहां प्रयोग करें। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी जो आप मेरे चैनल लॉजिक टच को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं रे और रे में अंतर जानने के लिए। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि रे जो ऋषि वाला रे होता है एक स्वर होता है। अगर इसको हम कोई भी स्वर हो उसको हम जब लगातार बोलेंगे तो उसी की ध्वनि सुनाई देगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आ आ तो आ ही सुनाई देगा। इसी तरह हम जब रे के स्वर है उसकी ऋषि वाले रे को हम जब आवाज निकालेंगे रे तो रे ही सुनाई देगा। जबकि जो दूसरा रे है वो राम में मात्रा लगी हुई है छोटी इन की। राम में हम सभी प्रकार की मात्राएं लगा सकते हैं, री भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं, रा भी कह सकते हैं। तो रे जो है सुनने में उच्चारण एक जैसा होता है ऋषि वाला और रे वाला। ये चूंकि व्यंजन है तो इसको हम जब उच्चारण करेंगे और लगातार बोलेंगे तो ध्वनि बदल जाएगी। मान लीजिए आपने बोला रे तो ई की मात्रा आई, का उ तो उ की मात्रा आई, स्वर की ध्वनि बाद में आती है। तो एक तो फर्क ये हुआ। दूसरा फर्क ये है कि ऋषि को हम उच्चारित करते हैं तो र पे थोड़ा जोर देते हैं, जैसे रे। और दूसरा होता है रे, रे और रे। रे शब्द हम कहाँ प्रयोग में लाते हैं, रे अक्षर हम कहाँ प्रयोग में लाते हैं, जहां हम तत्सम शब्दों के लिए रे का प्रयोग करते हैं तब हम ये ऋषि वाला रे लगाते हैं। जैसे तत्सम शब्द वे होते हैं जिनमें जो संस्कृत से लिए गए संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उन्हें हम रे का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और सुनते हैं रे और रे में अंतर सीख रहे हैं। तो रे जो उच्चारण होता है वो ऋषि वाले रे का होता है और दूसरा होता है रे। तो अगर आप ऋषि लिखेंगे तो रे ऋषि लिखेंगे, अगर आप ऋषि लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा अगर आप रा के साथ लिखेंगे। इसी प्रकार ऋतु, ऋतु सही है और अगर आपने रा के साथ ऋतु लिखा तो ये गलत होगा क्योंकि तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। और शब्द देखिए कृपा, कृपा में हम नीचे रे लगाएंगे। कृपा ये जो रे की मात्रा होती है वो नीचे इस तरह लगाते हैं, शब्दों के अक्षरों के नीचे लगाते हैं रे। तो कृपा लिखेंगे तो नीचे लाल नीचे मात्रा लगाएंगे रे की, ऋषि वाले रे की, और पा लिखेंगे कृपा हो जाएगा। कृत्रिम, कृत्रिम में भी नीचे मात्रा लगेगी रे की, कृत्रिम होगा। कृपाण, घृत, घृत को लिखेंगे ऐसे घृत। कृष्ण, कृष्ण में भी हम नीचे रे की मात्रा लगाएंगे। गृह, गृह में भी हम नीचे रे की मात्रा लगाएंगे क्योंकि रे। क्या आप जानते हैं कि इनमें ये नीचे रे की मात्रा क्यों लगाई गई है? कृपा, तो ये कृपा एक संस्कृत निष्ठ शब्द है तो ये बना क जमा रे तो क्रे बन गया कृपा। अब आपने घृत लिखा मान लीजिए तो घ जमा रे तो घृत बन गया, ग जमा रे तो ये गृह बन गया। तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनमें हम रे का प्रयोग करते हैं। हिंदी में तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव, अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी बहुत से शब्द मिले हुए हैं, उर्दू के शब्द भी मिले हुए हैं जिनमें रे नहीं होता, उनमें केवल रे होता है जहाँ र के मात्रा लगती है। मान लीजिए आपने रिकॉर्ड लिखा, रिकॉर्ड अंग्रेजी से लिया हुआ शब्द है तो इसको अगर आप रे के साथ लिखेंगे रिकॉर्ड तो गलत होगा, इसको हम र के साथ ही रिकॉर्ड लिखेंगे। रिवाज, रिवाज मान लीजिए आपने लिखा तो अगर आप रिवाज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी संस्कृत शब्द नहीं है और ये अरबी फारसी से लिया हुआ शब्द है। रिवाज इसमें र ही लगाएंगे।
अन्य शब्द देखिए जिनको कि हम रे के साथ ही लिखेंगे क्योंकि ये तद्भव या अन्य भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं। रिबन, रिबन में र लिखेंगे, रिबन। रेहा, रेहा में भी र लिखेंगे। रिक्शा, रिक्शा में भी रे नहीं लिखेंगे, रे लिखेंगे। रिश्ता, रिश्ता में भी रे ना होकर रे होगा, रा में मात्रा लगाएंगे, रिश्ता। इसको हम रिश्ता नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ऋषि वाला रे नहीं लिख सकते। रे वाले कुछ अन्य शब्द देखिए, ऋण, स्मृति, कृषि, ये संस्कृत में शब्द हैं और इनमें हम रे का प्रयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको रे की मात्रा वाले कुछ शब्द बताने वाली हूँ जिनमें हमेशा नीचे रे की मात्रा लगती है। कृतज्ञ, पृथक, कृमि, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी ई के साथ ही होता है। तृषा, सृजन, वृतांत, अमृत, पृथ्वी, वृष्टि, श्रृंखला, इसमें श्र ही लग जाता है पूरा। मृदु, कृत्रिम। अब हम कुछ वाक्य देखेंगे जो हम रे वाले शब्दों में बनाते हैं। यदि आपको मृदु का वाक्य बनाना है तो बोलेंगे हमेशा मृदु वचन सुनो। नृत्य, नृत्य बहुत अच्छा है। अमृत, अमृत जैसा बोलो। वृक्ष, वृक्ष की छाया ठंडी है। पृथ्वी, पृथ्वी का वाक्य बनेगा पृथ्वी गोल घूमती है। हृदय, हृदय में भी आपका र लगता है और नीचे ह के नीचे र की मात्रा लगती है, तो इसका वाक्य बनाएंगे हृदय कोमल होता है। श्रृंखला, श्रृंखला बनाओ, ये इसका वाक्य बनेगा। इस तरीके से आप रे की मात्रा वाले शब्दों के वाक्य बना सकते हैं। देखते रहिए लॉजिक टेस्ट और इसी तरह सहयोग बनाए रखें जिस तरह आपने सहयोग बनाया हुआ है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा करें और बेहतर करें ताकि आपको पसंद आए। दोस्तों के साथ वीडियो देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।